भी खराब हो गया है हमारा, परमिशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले हम उसको कंफर्म करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। राशिद भाई पूरा जोर लगा के हैं लेकिन छोड़ने वाले नहीं है राशिद भाई। राशिद भाई मुझे बोल रहे थे गाड़ी चलाने के लिए, मैंने बोला भाई नहीं, गाड़ी नहीं चलाऊंगा मैं भाई, व्लॉग बनाऊंगा मैं, खाली व्लॉग बनाऊंगा आज। इस सरप्राइज का मुझे इंतजार था, वो सरप्राइज ये है, राशिद भाई ने अपने हाथों से बनाया है घर में। ये देखो, ये फ्राइड चिकन लाया है साथ में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। तो आज जाने वाला हूँ मैं मच्छल, साथ में है राशिद भाई। तो अभी मैं खड़ा हूँ कलारूस में, तो आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, आपको काफी सारी जगह भी दिखाएंगे। तो ये जो गांव है ये कलारूस का गांव है जो मैंने अभी आपको बताया। जड गली अभी 25 किलोमीटर है, तो पहले हम जड गली पे उतरेंगे, आपको भी दिखाएंगे जड गली कैसी है, कैसी है वो जगह। कुछ ठंडा लेके आता हूँ। ये आ गया हमारा ठंडा, जड गली पे बैठकर इनके मजे लेते हैं। तो रोड ऐसे तो ठीक है, फिर बीच बीच में किसी जगह पैच किया हुआ है रोड को, तो आगे पहुंच के हमें पता लगेगा रोड कैसी है वहां तक। सबसे पहले तो रोड होनी चाहिए, तभी मजा आता है सफर का। अगर रोड ठीक नहीं होगी तो सफर का मजा नहीं आता है। ये देखो मस्जिद पाक कितनी खूबसूरत है। ये आ गया जी सरकुली मार्केट, भी दिखाएंगे हम आपको। ये आ गया सरकुली का मार्केट। यहाँ से जड गली 20 किलोमीटर है अभी। तो आप इंतजार करें, अभी जड गली 18 किलोमीटर दूर है। सबमिट करनी पड़ती है, तो मैं हूँ अभी गाड़ी में, तो राशिद भाई बुलाएंगे, मैं गाड़ी लेके आगे जाऊंगा। तो चलो, तो यहाँ से शुरू होता है जंगल का एरिया। ये देखो दीवार के पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे। राशिद भाई मुझे बोल रहे थे गाड़ी चलाने के लिए, मैंने बोला भाई नहीं, गाड़ी नहीं चलाऊंगा मैं भाई, व्लॉग बनाऊंगा मैं, खाली व्लॉग बनाऊंगा आज। बस जमींदार गली पहुंच जाए हम जल्दी जल्दी, फिर कुछ खा लेते हैं। हमने कुछ स्पेशल लाया घर से बना के आज। अभी मैंने वो स्पेशल नहीं देखा है, तो मुझे उस स्पेशल चीज का इंतजार है। वो क्या मेहनत लगी है भाई कल रात को, 11 बजे तक, रात को 11 बजकर कुछ मिनट थे, मैंने फोन किया था राशिद भाई को, उस टाइम बोल रहे थे मैं अभी एक कुछ बना रहा हूँ वहाँ के लिए, अभी मैंने उस स्पेशल चीज को नहीं देखा है।
तो पहुंचते हैं जड गली पे, तो वहीं पे देखेंगे क्या है वो चीज जिसका मुझे इंतजार है। तो क्या पता क्या स्पेशल बना के लाए हैं राशिद भाई। तो चलो पहुंचते हैं जड गली, थोड़ा ही रह गया 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैं और राशिद भाई थोड़ा नीचे उतरे, तो थोड़ा सा यहाँ पे 5-10 मिनट रेस्ट किया और दिखाते हैं हम आपको भी। तो चले राशिद भाई, चलो चलो पानी हो गया, लेट्स गो। चलो भाई चलते हैं। करेंगे कयामत तक खुदा करे के कयामत हो। और अरे क्या क्या चलाऊंगा मैं भाई, तो यहाँ पे हम उतरे राशिद भाई और मैं, यहाँ ज्यारत देख रहे। तो अभी राशिद भाई और मैं जा रहे हैं पीर बाबा की ज्यारत पे, तो चलो अंदर चलते हैं। तो आगे जी हम ज़ियारत पे भी वापस और यहाँ पे कंटेन पे भी वापस, अब बस निकलने वाले हैं हम यहाँ से, तो चलो चलते हैं। तो चलो राशिद भाई चलते हैं हम यहाँ से, बस जड गली 5 किलोमीटर दूर है, तो पहुँचते हैं जड गली पे। तो यहाँ से शुरू होती है टाइल वाली रोड, तो ये हमें फरकिया गली पे भी देखने को मिली थी और साधना टॉप पे भी देखने को मिली, तो और यहाँ भी जड गली के करीब यहाँ भी देखने को मिली कि जितना जितना हाइट पे आप जाओगे उतना उतना ये टाइल वाली रोड देखने को मिलेगी। जैसे गुरे, जैसे कि आप जोजला क्रॉस करो तो वहां से भी मिलेगी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, इसीलिए ये टाइल लगाते हैं ताकि ये कामयाब रहती है। दूल्हे की गाड़ी आ रही है वहां से, तो 1 किलोमीटर आज ही जड गली। तो अभी राशिद भाई गए हैं दूसरे कैंप पे अपनी परमिशन की जेरॉक्स कॉपी सबमिट करवाने, तो मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ, जैसे वो आगे बुलाएंगे तो मैं यहाँ से निकलूंगा। तो फिलहाल हैं हम जड गली से 1 किलोमीटर पीछे ही, बस आने वाली है जड गली जिसका इंतजार कर रहे हैं, जिसका वेट कर रहे हैं हम। वहां पे थोड़ा सा बैठेंगे, रेस्ट करेंगे और कुछ खाएंगे, फिर वहां से हम आगे की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो चलो दिखाते हैं हम आपको भी। इस सरप्राइज का मुझे इंतजार था, वो सरप्राइज ये है, राशिद भाई ने अपने हाथों से बनाया है घर में। ये देखो, ये फ्राइड चिकन लाया है साथ में, कुछ रोटियां और पेप्सी और ये हो गया पानी। तो सबसे पहले खाते हैं हम, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगी है। एक्चुअली यहाँ मूड भी खराब हो गया है हमारा, परमिशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले हम उसको कन्फर्म करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। तो अभी हम जड गली के पीछे ही इस टाइम लंच कर रहे हैं, अभी हमने जड गली क्रॉस नहीं की, अभी हम कैंप के ही पास हैं। भाई वाह, राशिद भाई की तारीफ ही करें तो वो भी कम है। राशिद भाई पूरा जोर लगा के हैं, लेकिन छोड़ने वाले नहीं है राशिद भाई, वो कोई जगह नहीं है जहां राशिद भाई ने कॉल नहीं किया, तो अभी भी लगे हैं फिलहाल, देखते हैं क्या होगा। बस होना चाहिए यार, क्योंकि अब आए हैं, अब कौन वापस घर जाएगा। तो फिलहाल
परमिशन का भी इतना इशू रहता है कि बड़ी मुश्किल से परमिशन बनाई थी एक महीना पहले। अब 9 सितंबर तक लास्ट डेट है, लेकिन क्या करें, यहाँ इतना दूर आके अगर यहाँ से भी घर वापस चले गए, और फिर इकलाद भाई भी जैसा पता है आपको बिजी रहते हैं, और क्या यार, फिर कहाँ टाइम, पूरी कोशिश करेंगे यार आने का। थोड़ी सर्दी होगी, बारिश पड़ने वाली है, मौसम तो खराब होने को आया। राशिद भाई की वजह से हमें परमिशन मिल गई, तो अब हम यहाँ से निकले। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी सबमिट करने पड़े तो वो कर दी, एंट्री भी हो गई हमारी। तो पहुंच गए हम मच्छल के करीब करीब, ये बोर्ड दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये बोर्ड देखें, तो आप खुद ही पढ़ लेना इस पे क्या क्या है, कितने किलोमीटर हैं। मच्छल आ गया 9 किलोमीटर, दुधी आ गया 12 किलोमीटर, यहाँ पे अभी हम पूरा मच्छल में नहीं पहुंचे, लेकिन यहाँ आके ना अलग ही फीलिंग आ रही है यार, क्या बताऊं, गुड वाइब्स। अरे यार क्या बताऊं, मैं ये बस यही सोच रहा हूँ यार, ये 2 किलोमीटर कब खत्म हो जाए, मैं पहुंच जाऊँ वहाँ, बस होने वाली, बस नींद क्यों आ रही है, थक गए ना, वेट करना पड़ा वहां तक, कोई नहीं यार चलो, लेकिन हार हमने भी नहीं मानी। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, हिम्मत जो हार गए तो हार गए, ये बात है। बहुत ही पुराना घर है, जीरो माइल मच्छल। यहाँ पे एक ब्रिज है जिसपे कैप्टन आशुतोष कुमार SC मेमोरियल ब्रिगेड, तो ये है वो ब्रिज। तो फाइनली दोस्तों कि हम मच्छल में एंट्री कर चुके हैं, तो मैं दिखाता हूं आपको, ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये पूरा एरिया जो है मच्छल का एरिया है, तो यहां पे काफ़ी सारे देखने के लिए जगह है, वो भी दिखाएंगे हम आपको। तो चलो फिलहाल हम एंट्री कर चुके हैं यहां पर, तो बहुत ही अच्छा फीलिंग ही कुछ अंदर से अलग आ रही है यहां पे पहुंच के, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहां पर। कितने खूबसूरत घर हैं यहाँ पे, भाईजान ये सरपंच साहब का घर कहाँ है? हाँ मच्छल का, कौन सा, ये वाला, ये वाला यहाँ से रास्ता, यहाँ से चलो यार, गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं। तो वो जो घर दिख रहा है वो सरपंच साहब का घर है, तो फिलहाल चलते हैं वहाँ पे, स्टे हम सरपंच साहब के घर में करने वाले हैं, तो चलो चलते हैं फिलहाल वहाँ। तो ये आ गया जी सरपंच साहब का घर, बहुत ही खूबसूरत है, तो ये इस रूम में हम स्टे कर रहे हैं आज। ये आ गया राशिद भाई,
रूम में। तो अभी हम बैठे हैं और मैं और राशिद भाई, तो ये कुछ चाय ला रहे हैं, तो देखते हैं, तो चाय पी के फिर आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके, है ना राशिद भाई? रेस्ट थोड़ा करेंगे पोशवारी एरिया में या दूधी एरिया में। हाँ देखते हैं, दो में से एक जगह हम इस टाइम जाएंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट का देखेंगे हम कल इंशाल्लाह। तो चलो पियेंगे पहले चाय। चाय वगैरह फिलहाल हमारी होगी, तो बस कपड़े भी हमने चेंज कर लिए, अब जा रहे हैं हम, नीचे पहुंच के डिसाइड करेंगे। तो हमारे साथ आ रहे हैं इम्तियाज भाई, तो चलो निकलते हैं हम यहाँ से। राशिद भाई और इम्तियाज भाई ने डिसाइड किया कि दूधी जाएंगे, हम फिलहाल जा रहे हैं हम दूधी तक। तो सामने बैठे हैं ये इम्तियाज भाई बैठे हैं और राशिद भाई गाड़ी चला रहे हैं, तो यहाँ से हम निकले। तो आगे जी हम दूधी में इस टाइम, तो चलो दिखाते हैं हम आपको। तो ये आ गए हमारे इम्तियाज भाई जो हमें यहाँ लेकर आ गए। तो ये कुछ घर है यहाँ पर, और ये आ गई हायर सेकेंडरी। तो ये देखो, ये आ गया जी यहाँ रेस्ट हाउस। तो गाइस फिलहाल हम दूधी से थोड़ा आगे आ गए हैं, तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट में आपको दिखाऊंगा। अभी मुझे ये मालूम नहीं है कब बनाया है, तो किसने बनाया, तो चलो नीचे जाते हैं, तो मालूम करते हैं। फिलहाल इम्तियाज भाई हमारे साथ है, इनको भी थोड़ा बहुत मालूम है, तो और आपको भी दिखाते हैं। तो आगे जी हम किनाल पे, तो किनाल इसकी यहाँ से आ रही थी, और ये इसका डैम, ये इसका डैम, तो यहाँ इसका गेट है। तो ये आ गया जी गेट इसका, ये यहाँ पर मेन गेट, मतलब जब यहाँ से गेट बंद होता था, तो ये आ गया डैम, मैंने दिखाया। तो यहाँ से पाइप के, यहाँ इसके जरिए पानी नीचे जाता था, ये आ गया नीचे पावर हाउस। तो चलो आगे चलते हैं नीचे। तो ये आ गया जी पावर हाउस, तो यहाँ से इसमें जो पानी आता था, तो यहाँ से आउट होता था पानी, तो इसी नाले का ये पानी है, तो वहां से इनको किनाल के जरिए यहाँ लाना था। तो चलो नीचे दिखाते हैं हम आपको। ये देखो कुछ अंदर से इस तरह है ये, लेकिन काम फिर अधूरा रह गया था इधर का, क्या पता क्या रीजन था, कोई पता नहीं। यहाँ के इम्तियाज भाई से भी पूछा, तो वो बोल रहे मुझे कोई पता नहीं क्यों अधूरा रह गया था, तो शायद यहाँ पर मशीनरी इनको लगानी थी। तो चलो इसके बारे में आज पता करता हूँ मैं किसी से। तो दोस्तों चलते हैं हम यहाँ से। इस प्रोजेक्ट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी, तो बाकी अगर कोई मिलता है यहाँ तो उससे पूछ के आपसे और भी शेयर करते हैं कल। आगे जी हम रूम पे वापस करते हैं थोड़ा रेस्ट, तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह। खाना, इसमें रहा चिकन, ये है यखनी टाइप, और यहाँ पे ये रहे बाकी, ये आ गया आलू, ये आ गई सब्जी, और ये आ गया सैलेड। सबसे पहले ही तो आज बिल्कुल यूनिक। तो खाना आ चुका है हमारा, तो करते हैं हम खाना स्टार्ट। तो खाना खा के बाकी बातें करेंगे हम। मजा आ रहा है? मजा तो आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आज हमने खुद नहीं बनाया है, तो आज हमने कुछ सोचा कुछ यूनिक हो जाए। तो घर से भी हमने, राशिद भाई ने बना के लाया था, मैंने कुछ नहीं घर से साथ लाया था। तो चलो पहले खाना खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, और ये लग गया हमारा बिस्तर वगैरह। जरा कौन सी ये ट्यून बज रही थी इस टाइम, कश्मीरी? कौन सी जी? क्या मलाल गोई पतन कश, क्या जरा बजाओ। सवाल करजे है जवाब दिम है, जमा पता लो गई मैं क्या मलाल गोई। सवाल करजे है जवाब दिम है। वाह भाई, मानना पड़ेगा इम्तियाज भाई को, क्या म्यूजिक बजाते हैं यार। कोई भी बोलना यार, कोई भी, कोई भी, कोई भी गाना बोलो इनको, ये उसकी म्यूजिक बजा देते हैं, और वो भी फोन से।
प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड की है। सामने होगा ना, तो जो मजा ही कुछ और मजा ही कुछ और होगा।